वकांडा फॉरएवर में विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता टेनोक हुएर्ता ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है। यूएस की डेडलाइन में छपी एक खबर के अनुसार एक्टिविस्ट एलेना रियोस ने रविवार को अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में हुएर्ता पर इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया। एलेना ने स्पैनिश में लिखा, बहुत मुश्किल होता है इमोशनल अब्यूज और अब्यूज के बारे में बात करने में, जब सेक्सुअल प्रेडेटर वो हो जिसे दुनिया प्यार करती है उसके फिल्म में निभाए गए एक किरदार के लिए, जैसे टेनोक हुएर्ता। वो चार्मिंग दिखता है और यही पहचान है एक नार्सिसिस्ट की जिसने विक्टिम बनाए हैं। इन आरोपों पर अपनी सफाई पेश करते हुए हुएर्ता ने भी सोमवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखा, ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं मेरे खिलाफ जो जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं और अब मैं इसका विरोध किए बिना नहीं रह सकता। हुएर्ता ने यह भी एक्सप्लेन किया कि एलेना और उन्होंने एक साल पहले कई महीनों तक डेट किया था और उस वक्त ये सब कंसेंशुअल माने दोनों की रजामंदी से हुआ था। हुएर्ता के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गवाह भी है। हुएर्ता पर लगे ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं या सही, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बाकी एंटरटेनमेंट जगत की हर खबर के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।